मगर मैं स्वागत करता हूँ। अरे साहब, हम मोदी की सरकार है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन करा दिया कि जो लोग नास्तिक कहते थे वो आस्तिकता की बात करने लगे। अब आपकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। आपके जमाने में हिंदुस्तान नीचे गया है, आगे नहीं गया। जवाब दीजिए सुधांशु। अर्थव्यवस्था जो आपकी बात कह रहे राम मंदिर इज्जत की वार लगा डाली इसने। जब 2004 से लेकर 2014 तक 0.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, जब छोड़ा गया तो उसमें 300% की ग्रोथ दिखाई पड़ी, 1.87%। आपके लिए कितना किया? 1.87 से 3.51 कितना हुआ? कितने परसेंट ग्रोथ हुई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पिछले 40 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया और राम मंदिर को तोड़। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपके झूठ को पकड़ के लोगों के सामने रखा। मैंने तो नहीं रखा है, मैं अगर कह दूं तो आप मुझे जेल भेज देंगे, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना अपराध है। दूसरे सर क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है कि अगर हिंदू धर्म का अगर जिक्र करना है तो शरिया के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जिक्र करना है, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों है? सत्यमेव जयते को आप तय कर लीजिए, को आपकी संस्कृति का हिस्सा या धर्म का हिस्सा है? आप तय नहीं करना। आपको हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आप 100 बातों में से 75 बातें आप इस्लाम को लेके कहते हैं, और हिंदू धर्म की बात करनी तो आप मुझसे बात करिए ना। आप शंकराचार्य के बारे में बात करिए, आप कबीर के बारे में बात करिए, आप तुलसी के बारे में बात करिए, आप वेद के बारे में बात करिए, उपनिषद के बारे में बात करिए, उसके अंदर जो दहेज प्रथा उसके बारे में बात करिए, जो लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है उसके बारे में बात करिए, और अगर आपको बात करनी नरेंद्र मोदी की तो फिर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए, आप जीएसटी जिससे उसके बारे में बातचीत करिए। गजब बेइज्जती है। और जब लॉकडाउन लगाया हजारों की संख्या में लोग पैदल, उसके बारे में बात करिए, और इस बारे में भी बात करिए कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब लोगों ने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, उसके बारे में बात करिए। और वही उसी जब महामारी थी उस क्वार्टर में 3.7% आपकी हुई, आज आप 7% के बारे में बातचीत करते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बिना इस्लाम के जिक्र किए एक सेंटेंस बोल दे तो मैं बात करूं, बिना बाबरी मस्जिद, बिना शरीयत, बिना इस्लाम, बिना क्या बात है। गुड शॉट। आज इन्होंने एक के बाद एक गलत, इनका बहुत साफ इन्होंने कह दिया कि धर्म निरपेक्षता की बात, एक धर्म को समझाना है, बाकी का तो पूरा मान लेना है। अच्छा, इसलिए इस्लाम में शरीयत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही बोल रहा हूँ, इसी ने इस्लाम के बिना शरीयत, यही कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। अब हिंदू धर्म के बारे में ठीक है, अपनी अपनी बारी में। मैंने आपको शाउटिंग मैच नहीं, आज तक पे आशुतोष, आज तक पे हिंदू धर्म दुनिया का। उसकी लुंगी में मिर्ची गाय को लग रही है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कब लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम, अपने को जीतो। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सच्चत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इन्होंने बोला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ये बताइए, जब सोना गिरवी रख दिया गया है, देश की बैंकक्सी हो गई 1 बिलियन से, उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, बेरोजगारी कम थी, और इस समय कम है, क्या बोलते हैं भाई हम? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सरकारी नौकरी के अलावा कोई कुछ होती नहीं थी उस जमाने की फिल्में पिक्चरों से लेके बुजुर्गों से पूछिए, झूठ का कोई भी आके कारोबार शुरू कर देते। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45 साल का सबसे बड़ा वो, अब हमदर्दी जता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये उन्होंने झूठ बोला पीछे भाई। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़। हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। Let me up with a bright smile on now. Don't be in the car, don't want careless now. To the moonlight, I